तो स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। अभी है ना नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के अवसर पर हम कुछ बहुत सारी बातें चीतें करेंगे। तो नवरात्रि एक हिंदुओं का लोकप्रिय त्यौहार है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत मेरी वाइफ के साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे। और नवरात्रि चल रही है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्या है नवरात्रि के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, तो नवरात्रि के बारे में आप लोग। तो भारत देश में सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि हिंदुओं का लोकप्रिय त्यौहार है। वेरी गुड वेरी गुड, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। अच्छा, ये बात है। देवी दुर्गा 9 दिनों में अलग अलग रूप में आती है। जी जी बराबर है, ऐसा है क्या? और गुजरात में तो बहुत बहुत बड़ी धूमधाम से गरबा नृत्य दांडिया खेलते हैं, ऐसा कुछ है ना? हाँ, नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन तक चलता है। हाँ जी। और देवी दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। अच्छा अच्छा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और देवी दुर्गा 9 दिन तक अलग अलग रूप में आती है। वाह वाह, ऐसा है। वाह वाह। और गुजरात में तो बहुत सारे लोग दांडिया नृत्य ऐसा कुछ करते हैं ना? हाँ, रात को। हाँ, रात्रि 9 दिन तक चलती है और 10वें दिन पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। नवरात्रि में उपवास, कोई लोग उपवास भी रखते हैं ना? हाँ, श्रद्धालु 9 दिन तक उपवास रखते हैं। या या। और कन्याओं को भोजन भी खिलाया जाता है। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, श्रद्धालु 9 दिनों तक उपवास रखते हैं क्या? हाँ। अच्छा, और कन्या को भोजन कब खिलाते हैं? तो लास्ट दिन होगा, ऐसा कुछ है। दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसकी याद में सदियों से ये नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, ये बात, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। नवरात्रि में लोग 12 बजे तक गरबा नृत्य करते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और दांडिया रास ऐसा नृत्य भी खेलते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत आनंद से श्रद्धालु लोग दांडिया रास खेलते हैं, ऐसा कुछ है भाई? कब 12 बज जाता है किसी को पता नहीं चलता। नहीं चलता। ये था ये वैसे। वैसे तो भारत देश खेती प्रधान देश है, फिर भी लोग पूरा दिन काम करते हैं और रात में अच्छा गरबा खेले जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत आनंदित आनंदमग्न होकर रास गरबा खेलते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी थकान उतर जाती है भाई। पूरी थकान उतर जाती है, ये बात है भाई। और 9 दिन इतने जल्दी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 9 दिन कब पता पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आज पहला दिन, आज फर्स्ट डे और कल सेकंड डे, 9 दिन कैसे खत्म हो जाएगा वो भी नहीं पता चलता है ना। हाँ, ये बात है। कई जगह पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। या नाइट को जो कुछ याद आएगा अभी तो हम बताने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। तो नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बहुत पसीने हो गया भाई, क्या बोलूँ ना क्या ना बोलूँ। कल शाम को आया था तो अंधेरा हो गया था, अभी दोपहर में आया तो इतनी ह्यूमिडिटी वेरी हाई। तो चलो थोड़ा बहुत बातें करके नवरात्रि बारे में। नवरात्रि ऐसे तो बहुत अच्छा त्यौहार है, और रात को ऐसा 9 दिन तक गरबा डांडिया नृत्य ऐसा खेलते हैं, और खेलना भी चाहिए। और जो दिन भर पूरा काम करते हैं तो काफ़ी थकान हो जाती है, तो ऐसा लोगों से मिलेंगे तो थोड़ा बहुत ही अलग फील होगा, बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा अच्छा लगेगा लोगों से मिलके। ये त्यौहार हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, ऐसा है ना रसीला जी? यह त्यौहार हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या भाई? तो अच्छा है, रात को ऐसा डांडिया नृत्य ऐसा आप लोग खेलते रहो और आनंद जी करते रहो। तो ये थी नवरात्रि के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत। वेरी गुड।